हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का दिन बड़ा ही मस्त मस्त सा जा रहा है हमारा, क्योंकि आज हमें मिल सकती है थोड़ी सी खुशखबरी, क्योंकि अभी डॉक्टर के पास गए नहीं है। आई नो गए नहीं है, तो चलने की कहोगे तभी तो चलेंगे हम, ऐसे कहाँ चलेंगे। लिपस्टिक लगा के तैयार बैठी हूं। अच्छा चलिए, किसी भी टाइम हो जाए, नेल पेंट। चलिए फिर, हमारी भी गाड़ी गेट पे है, बिल्कुल गेट पे खड़ी है, बिल्कुल चलो अभी चलो भाई। तो गाइस दिखाते हैं आज का क्या व्लॉग होने वाला है, और आज कुछ काम भी हैं, तो देखते हैं डॉक्टर के जाना होता है या और वो दूसरे काम करने होते हैं, कौन से करेंगे वो आपको जरूर बताएंगे। गाइस दोपहर का टाइम हो गया है और अब जो है मैं लगाऊंगी नेल पेंट अपनी। देखो बिल्कुल उतर गई है, मुझे काफी अच्छा लगता है नेल पेंट लगा के रखना, उतर जाए तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे मैं खा रही हूँ थोड़े से फ्रूट्स जो कि मैं खा चुकी हूँ अभी, और नहीं खाऊंगी। और हो गया मेरी दवाई का टाइम, तो ये जो है मैं दवाई लेने वाली हूँ। आई होप सबकी चल रही होंगी इस टाइम पे ये दवाई, क्योंकि लास्ट मंथ में बोलते हैं मैंडेटरी होता है ये टाइम, तो लेनी ही लेनी है, तो मैं याद करके डेली लेती हूँ। मम्मी का हो गया नींद का टाइम, तो मम्मी ले रही है यहाँ पे नींद। और मित्तू चले गए हैं बाहर, तो मैं भी बस लेटी हूँ आराम से, अपना रेस्ट कर रही हूँ दवाई वगैरह लेके। एसी वाले भैया आए हुए हैं, हमारा जो बेबी वाला जो रूम है ना, तो उसमें एसी ठीक ही नहीं हो रहा, तो वो लगे हुए हैं 2 घंटे से, पता नहीं क्या कर रहे हैं, गैस वैस भर रहे हैं शायद। तो आ गए और कह रहे हैं मैगी खाने का मन कर रहा है। अब की बार इतनी मैगी लेकर आए थे मम्मी, आपके बेटे ने सारी मैगी करवा दी। अब की बार मैगी का सीजन चल रहा है इनका, लगा मैंने मैगी खानी है। चलो चलो आपके लिए मैगी बनाते हैं, तो मैं तो नहीं खाऊंगी, मम्मी के लिए और मित्तू के लिए मैगी बन गई। और मम्मी जब भी किचन में आऊँ तो गिल्ले आ जाए, हेल्प करवाओ। तो गाइस आप बहुत सारे कमेंट आ रहे थे मम्मी की लड्डू की रेसिपी बताओ, मित्तू के ब्लॉग में है ना। हाँ। तो गाइस मित्तू वाले चैनल पर जाकर देख लियो, मम्मी ने पूरी रेसिपी बता रखी है कि रेसिपी है कि ना। और इधर मम्मी के लिए और इसके लिए मित्तू के लिए मैगी, मेरे को कह रहे तू दूध पी, तेरे को मैगी नहीं खानी, कितने शाने हैं खुद चटपटा है, मेरे को बकवास चीजें सही है। और लड्डू लूंगी। हाँ जी हाँ जी, बताइए जी। ये चले गए थे बाहर, अभी आए हैं, और मैं और मम्मी लेटे हुए थे दिन में, ये अभी आए हैं बाहर चले गए थे। डॉक्टर का तो मैसेज नहीं आ रहा है, वो कह रही है घर की किसी इमरजेंसी में फंसी हुई है, तो क्या करना है, क्या चलो आप बताओ कैसे करना है, घर चल पड़ो, देखेंगे क्या करेंगे, शाम तो हो गई है वैसे। उनके हस्बैंड को कॉल कर लेता हूं, मैसेज छोड़ा हुआ, कह रही घर पे कोई इमरजेंसी है, वहां पे फंसी हुई हूँ, तो बताते हूँ, शाम होने वाली है, पता नहीं कब बताएंगी वो। तो भाई शाम का टाइम हो चुका है और हमारी सवारी निकल ली है, आज कहाँ के लिए देखते हैं कहाँ जाते हैं। अरे पहले कहाँ जा रहे हो वो तो बता दो, कहाँ जाते हो तो ठीक है। पहले रास्ते में फैक्ट्री पड़ेगी, पहले फैक्ट्री जा रहे हैं। किसकी फैक्ट्री? अपनी फैक्ट्री में। क्या कर रहे? मम्मी कह रही है कि कुछ फर्नीचर जो होगा सिलेक्ट कराती हूँ। अच्छा। बना हुआ तो नहीं है, आपको दिखा ही सकते हैं। अच्छा। मेरे कुछ तो सैंपल होगा, मैं सैंपल कुछ है ही नहीं। इनका ना गाइस डेली घूमने का मन करता है, ये कुछ ना कुछ नया बहाना लगा के तैयार रखते हैं शाम के टाइम में, और कि भाई आज का ये है। मैं तो एक मिनट भी घर तक निकल कर खुश होनी, ठीक है दिखाओ। हाँ लो देख लो, दिखाओ शक्ल, दिखाओ तुम्हारी जबरदस्त। तो लिपस्टिक किस लिए लगाई थी तुमने, बाहर जाने के लिए लगाई थी? वो तो मेरी थोड़ी आदत है थोड़ा सा। तो गाइस आज जा रहे हैं फैक्ट्री, मतलब आज क्या जा रहे हैं, मम्मी को इनको लेके जा रहा हूँ, मैं तो जाता ही हूँ डेली, तो कुछ कुछ चीजें जो चेंजेस करवाने हैं, और घर में हमें थोड़ा बहुत जो फर्नीचर देख रहे हैं किस टाइप का, बेबी रूम के लिए, तो एक बार उसके कलर वगैरह दिखा देता हूँ इनको, क्योंकि दूसरे के घर में तो ना मेरी रिकमेंडेशन चल जाती है भाई, बट यहाँ पे ना थानेदार अलग है, तो नहीं, एक चीज और है मैं बताने वाली थी आपको,
आज वाले व्लॉग में ना कमेंट आए हैं सबके कि अभी बेबी रूम का जो पेंट है ना वो होल्ड भी कर दो, क्योंकि श्योर नहीं है बेबी गर्ल हो बॉय हो, तो वो होल्ड कर दो, जब बेबी हो जाए ना उसके बाद करवा लेना। चलो भाई तो दिखाते हैं गाइस, आज आपको भी फैक्ट्री दिखाते हैं हमारी और दिखाते हैं क्या सिलेक्ट करते हैं लोग क्या नहीं करते हैं। बोलो घर पे नहीं देखना हमें, मैं बोला घर पे बुक मंगवा देता हूँ, ना ना हमें तो जाके देखना है। तो गाइस ये दो ग्राहक आए आज हमारे फैक्ट्री में, बताइए जी क्या चाहिए तुम्हें, क्या देखना होता है मेरे से पूछ रहे थे ना उल्टा, मैंने फोन छीना। आप बताओ हम आपके पास आए क्या दिखाओगे, क्या लेंगे मैम, आप क्या लेंगे आप, चाय पानी ठंडा कोल्ड ड्रिंक क्या लेंगे आप, बताइए मैम क्या लेंगे। बड़ी मैम से पूछते हैं क्या लेंगे आप, ठंडा ठंडा। अरे दीपक चलो ऑप्शंस देखते हैं हम लोग, आप लोगों को भी दिखाते हैं। मैडम ये कलर बहुत अच्छा है आप देख सकते हो, कौन सा कलर चाहिए आपको बताओ, चेक कर दो। चलो चलो गाइस इनके बुक चेक करते हैं फिर सेलेक्ट करते हैं। तो गाइस ये सेलेक्ट करने लग गए हैं, सेलेक्ट कर लेना ये वाला जो नंबर होता है ना ये बता देना फिर मेरे को, ठीक है मैं तब तक बाकी चीज़ें देख लेता हूँ। ओके ठीक है। हाँ जी तो भाई ये हमारा ठेकेदार साहब लगा हुआ है, क्या बना रहा है भाई, ये बड़ा ठेकेदार है ना। हाँ जी ये भाई अपना काम कुम करने लग रहे हैं, कुछ बेड किचन का काम चल रहा है कोई, तो किचन का ये देखो किचन के पल्ले वगैरह बना रहे हैं कोई ग्लास को यहाँ पे। तो भाई ये लोग अब मुआयना करने आ गए हैं, शूज चप्पल चप्पल बाहर ऐसे नहीं बिल्कुल भी, बिल्कुल ही नहीं मालकिन मुल्किन का कुछ नहीं चलेगा यहाँ पे। तो ये भाई कुछ कुछ सैंपल रखे हुए हैं, जैसे किसी का बना के रखा हुआ है जाएगा डिलीवरी के लिए उस तरीके से, ये दो कुर्सियाँ रखी हुई हैं और ये है आराम करने के लिए, जैसे नाइट वगैरह लगती है फैक्ट्री में तो सुपरवाइजर वगैरह को रुकना होता है। कौन सी वाली, ये वाली चेयर, अच्छा ये बीन बैग ले लो तुम, इस पे लेटा करो, इस पे लेटा करो तुम, बीन बैग पे सोया करो, इस पे बैठ के देखो बहुत अच्छा लगेगा। सेलेक्ट कर लिया आपने, सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट कर लिया नहीं किया आपने, सेलेक्ट कर लिया है, दो तीन का फोटो क्लिक कर लिया है, आपको व्हाट्सएप करता हूं। ओके ठीक है, पेमेंट एडवांस रहेगी पूरी टोटल मेरे 100% और गाइस जिसको भी कुछ चाहिए फर्नीचर में इंटीरियर में कुछ भी चाहिए तो मैं मैनेजर का नंबर डाल दूंगा भाई कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में, वहां से ले सकते हो आप। हाँ हम लोग कोई नहीं रहते हैं ऑफिस में, ये ध्यान रखना वो ऑफिस का ही नंबर है, ऑफिस वाले लड़के ही हैंडल करते हैं, तो मैनेजर का नंबर डाल दूंगा वहां से आप क्वेरी ले सकते हो, जिसमें पूरा इंटीरियर घर का करवाना हो, फ्लैट का घर का सोफे बेड अलमारी कुछ भी मतलब वार्डरोब किचन कुछ भी करवाना हो तो आप करवा सकते हो, ठीक है ना। हाँ ये सोफा कम बेड है। और गाइस मैं आखिर में बीन बैग पे बैठ गया हूँ, इनको ऊपर बैठा दिया है, मजे आते हैं बीन बैग पे बैठने पे भी, ले चलना क्या घर पे, सही है अभी तो जो फैन के भी हो जो बात देखते हैं अभी तो ऊपर ही बैठना मेरे लिए मुश्किल हो। अच्छा तो गाइस निकल लिए हम लोग और सेलेक्ट करा है मैंने मम्मी ने, चार पांच ऑप्शन सेलेक्ट करे हैं, नथिंग चार पांच ऑप्शन हमने सेलेक्ट करे हैं जो कि मैंने स्क्रीन मतलब फोटो खींच लिए, मित्तू को भेज देंगे कि हमें उसमें से कौन सा रेडी करवाना है, मैं इस पे स्क्रीन पे लगा दूंगा गाइस आप लोग भी बता देना थोड़ा सा, हाँ कि वो वाला चाहिए वो वाला सही है या नहीं है, और बस जब काम होएगा, अभी नहीं करवा रहे हैं बट हम फिलहाल क्योंकि हम भी वही सोच रहे हैं अभी, पता नहीं एक दिन का वेट है, दो दिन का है, तीन दिन का है, चार दिन का, कुछ पता नहीं है, और डॉक्टर ने मना कर दिया कि मत आओ, एक दवाई लिख के भेजी है उन्होंने कि ये दवाई ले लो उससे रिलीफ आपको मिल जाएगा, बाकी तो वैसे तो डॉक्टर से ज़्यादा तो भाई किसको ही पता है, पर आप लोग भी बताना आप लोगों के टाइम ऐसा हुआ था क्या, मैं आप लोगों को दवाई का नाम भी बताती हूँ,
उन्होंने बोला है पेन ली है कि वो लेनी है, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। पता okay, नहीं ये दवाई किस चीज के लिए बोली उन्होंने, तो वो ले लूंगी। आराम पड़ गया तो देखती हूँ, आने के लिए तो उन्होंने मना कर दिया, वही कह रहे हैं कि जब दर्द हो जाए तभी आना, अभी नहीं। तो मित्तु ने ना मेरे को मम्मी को उतार दिया पीछे कि तुम घूमो इतने वॉक करो, और मेरे दुखते पेट में भी नहीं कह रहे हैं वॉक करनी जरूरी है। बहुत बढ़िया रस, और इतनी गर्मी है सिंगल एक पत्ता नहीं हिल रहा, सिंगल एक पत्ता। ऊपर से मेरे टमी में पेन हो रहा, दुख दे लो कोई ना बाहर आराम हो जाएगा हर के जगह पर। तो पोता पोती होने के बाद ना एक एक बात बताऊंगी, आप माँ बेटों ने मुझे कितना दुखी किया वॉक कर। हाय इतनी गर्मी लगा इस टाइम में, मैं बता नहीं सकती। दे मम्मी का बिल्कुल पसीने नहीं आ रहे, और मेरे देखो एक चक्कर लगा है। तो गाइस बहुत दिन हो गए कुकिंग किए हुए, आज कुछ नया सा बना के खिलाते हैं मम्मी को और इनको, तो नया ट्रायल करते हैं, कुछ ना कुछ बनाते हैं। हाँ जी हलवाई साहब बताओ कैसे आना होगा तुम्हारा? पनीर तो बनाते नहीं, हम अकेले बनाते हैं, हमको हेल्प नहीं मांगता किसी का भी, हम अकेला बनाता है। नहीं हम सिखाता भी नहीं है, हमारी रेसिपी हम सिखाता नहीं किसी को, सीक्रेट है वो सब हमारे लिए। हाँ जी तो दवाई मैंने मंगवा ली है, शाम को लूंगी खाना वाना खाने के बाद, अभी नहीं ले लूं। और मिक्स तो यहाँ पे बना रहे हैं, मैं भी किचन में आ गई, अकेला मन नहीं लगा। मम्मी इनकी हेल्प करवा रही है, कुछ काट पीट के दे रही है, वैसे ये लेते नहीं है हेल्प, पर आज ले रहे हैं थोड़ी बहुत। ठीक है काट दो। ये ना वो पनीर वाली चाट बना रहे हैं जो पिछले कुछ लोगों में आपने देखा हो, बहुत अच्छी बनाते हैं। ये कौन सा स्टाइल है आपका बैठने का? ये कौन सा स्टाइल है? नहीं यहाँ पे बैठ गई हूँ गाइस, ये यहाँ पे मम्मी वहाँ पे प्याज छील रही है, मेरे से बिल्कुल ही खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। ये लंबे वाली तो नहीं काटते थे पहले, अब की बार लंबे वाली बना रहे हो? अच्छा स्टाइल चेंज करता रहता हूँ मैं, शेफ हूँ ना, ट्रायल करता रहता हूँ। ओहो शेफ मान जाओ। तो मम्मी ने स्टाइलिश प्याज काट दी वो ब्रेक क्या छोटी प्याज थी बाकी आप लोगों को बताऊं ये कमी सा ये प्याज मम्मी ना गली तो बेची थी वे कट्टा वर्ग मम्मी वे चाल रही थी खरीद दी ना है बस ये खत्म होना नहीं वे। और ये इन्होंने काटे थे प्याज आलू इन्होंने डाल दिए फ्राई कर ले, साथ के साथ देख लो भाई, फिर आप ना बाद में पूछते हो ये चाट कैसे बनाई है बताओ। मैंने लड्डू की भी बता दी थी, मेरे ब्लॉग में देख लेना जो जिसमें ये वाला ब्लॉग है कि जच्चा के लिए लड्डू डाले सासू माँ ने, तो उसमें पूरी रेसिपी है लड्डू कैसे डले हैं। पनीर कट, पनीर हमारा फ्रीजर में रखा हुआ था भाई, टाइट हो रखा है। बिल्कुल रखा है, हाँ ये तो है। देखो क्या क्या चटनी क्या क्या मिला दिया, ये इसमें डाली है मेयोनीज, हाँ इमली, हाँ और ये हरी वाली चटनी और टमाटो केचप। मम्मी आप दुखी ना हो, आप जाके एसी में बैठ जाओ, ये हम कर लेगा, हम दोनों मिलके कर लेगा, आपको पनीर खिलाएगा। ठीक है आप जाके बैठो, अभी इसमें टाइम है, आप गर्मी लग रही होगी यहाँ पे है ना जी। तो सो गया जब तक डेडी ना हुई ना रोज तो डेली मुझे ये बना के खिला दो है मम्मी, हेल्दी चीज भी है, डॉक्टर ने बोला पनीर खाने को है ना, तो पनीर भी है और टेस्ट तो सम है ही, मतलब क्या ही बाहर का चाट करेगा ना, अल्टीमेट बना रखा भाई। मेरा तो आधा आधा पेट का दर्द भी ठीक होगा, सही बताऊंगा हाथ में जादू है खा लो नहीं दोनों जने खा जाएंगे एक का प्लेट से। देख लो गाइस किस किस के मुंह पानी आ गया, खा के दिखा दे मम्मी जल्दी से, खुद भी खा दी तो बस गाइस बस आज के व्लॉग में बस इतना ही था, और मम्मी तो ले चुकी है खराटे और जो इतनी देर से क्योंकि मैंने ले रखी थी आज खाट, मम्मी वाली खाट प्लेटा हुआ था, मैं टीवी देखने लग रहे थे, टीवी देखते देखते ऐसा हर्र हर्र
इस व्लॉग को करते हैं गाइस यहीं पे एंड, और कल के व्लॉग में कुछ टेस्ट करवाने हैं इनके, तो वो देखते हैं या फिर डॉक्टर के पास पहले जाना है, क्या करना होगा वो एक बार सुबह कंसल्ट करेंगे डॉक्टर के साथ में। बोला था ये दवाई ले लेना, उसके बाद में आराम लग जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर चेकअप के लिए आ जाना। ओके टाटा बाय बाय बाय।